हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप परांदा अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने अपने बालों को साइड पार्टीशन करके दो पिन्स अपने बैक में लगा दी है। सो मैं ब्रेड करना स्टार्ट करूँगी। आपको इसमें नॉर्मल ब्रेड बनानी है। सो मैंने 3 स्ट्रैंड्स लेके अपने 2 से 3 स्टेप्स तक ही मैं अपनी ब्रेड को बनाऊँगी और उसके बाद इसमें परांदा ऐड कर दूँगी। आप कोई भी कलर का परांदा ले सकते हो। सो मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करने के लिए गोल्डन परांदा लिया है। आप अपने लोकल स्टोर से ये परांदा ले सकते हो ईजिली। सो आप देख सकते हो जो मेरे परांदे के 3 स्ट्रैंड्स है, ये मैं अपने हेयर के 3 स्ट्रैंड्स के साथ मिक्स कर रही हूँ, एक एक स्ट्रैंड के साथ, एक एक परांदे का स्ट्रैंड। और बस अब मैं टाइटली अपनी लाइक ब्रेड को बनाऊंगी। अगर आप अपनी ब्रेड को लूज रखोगे तो आपके बाल इससे निकलना शुरू हो जाएंगे आपकी परांदे से, और वो बहुत ही बुरा लगता है। सो इसलिए ट्राई कीजिए, जितने ज़्यादा टाइट हो सके उतनी टाइट आपको ब्रेड बनानी है और अपने बालों को अच्छे से कस के बनाना है इसके साथ। सो आपकी हेयर लेंथ चाहे जितनी मर्जी हो, आप इजीली परांदा अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपकी हेयर लेंथ छोटी है तो आपको परांदा ज़्यादा ऊपर से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़ा वो आपके बालों को अच्छे से कवर कर लेगा। सो मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, सो इसलिए मैंने 2-3 स्टेप्स के बाद परांदा लगाया। आप चाहे तो फर्स्ट स्टेप से भी परांदा यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ मेरे हेयर ख़त्म हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ के नीचे जो भी बच रहा है परांदा, मैं इसी तरह से उसको ब्रेड में कवर कर लूँगी। सो अब आप इसमें एक रबर बैंड लगा सकते हो इसको सिक्योर करने के लिए, बट रबर बैंड लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि परांदा नीचे से थिक होता है। सो इसके लिए आप एक धागा होता है नॉर्मल सेम कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपके बाल अच्छे से सिक्योर हो जाए। या तो आप नीचे से जो आपका परांदा है उसको भी रोल करके उसमें एक अच्छी सी लूप बना सकते हो। सो या गाइस, दैट्स अबाउट दिस वीडियो। आप देख सकते हो कितना ईजिली हमारा परांदा लग चुका है। चाहे तो आप इसमें मांग टीका ऐड कर सकते हो पहले और उसके बाद अपना परांदा लगा सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट होगी तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी वीडियो बनाऊंगी। सो बाय।